तो जी राम राम जी, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ किचन में, तो मैं कोई ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो मतलब किचन से रिलेटेड। किचन में ही हूँ तो भैया चलती हूँ। आज मन था पकोड़े बनाने का, व्रत वाले पकोड़े। वैसे व्रत वाले पकोड़े मैं बनाने जा रही हूँ, कुट्टू के पकोड़े। तो कभी भी व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगते हैं, तो चलते हैं। और ये मैंने आलू उबले हुए रखे थे, तो आलू उबाल के मैंने फोड़ लिए हैं आलू। चाहे ने आप कद्दूकस या कैसे भी मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये फोड़ लिए ऐसे ही हाथ से। और ये कटी हुई मिर्च रखी थी, हरी मिर्च, क्योंकि व्रत में हरी मिर्च का ही यूज़ होता है, लाल मिर्च का यूज़ नहीं होता। मैंने ये लाल मिर्च डाल दी और फिर उसमें सेंधा नमक, व्रत वाला नमक डाल दिया, क्योंकि मैं व्रत वाले कुट्टू के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। और मैंने सोचा कि जीरा भी डालूँ भाई, उससे थोड़ा सा थोड़ी सी महक सी जीरे की और खुशबू सी ये आ जाएगा, स्वाद सा। तो मैंने भून के तवे पे और ये जीरा ले लिया, और ये जीरा मैंने इसमें भुना हुआ जीरा मैंने आलू में डाल लिया, मिर्च के साथ जीरा भी डाल लिया, नमक डाल लिया। बस इससे ज़्यादा मैं इसमें और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि ये व्रत के पकोड़े बन रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा चीज़ प्याज व्याज कुछ खाना ही नहीं है इसमें। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से पकोड़े बनाने जा रही हूँ। और ये फिर मैंने सारा जो है सारी आलू और ये पिट्ठी बना के मतलब डो बना लिया, पिट्ठी बना ली ये। और मैंने लिया ये कुट्टू, वो तो मैंने आलू रख दी साइड में, और ये ले लिया कुट्टू। कुट्टू में भी थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, क्योंकि कुट्टू बनाऊंगी तो फिर हल्के हल्के लगेंगे, नमक कम लगेगा। और मैंने ये रख दी थी पिट्ठी बना के, इसमें पानी ऐड करा, ये मतलब घोल की तरह बना लेना मुझे। तो इधर तेल भी मेरा गरम हो रहा है। तेल क्या है, तेल तो यूज़ होता ही नहीं है, रिफाइंड यूज़ करो या घी का यूज़ करो। मैंने घी ले लिया, घी यूज़ करो, रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो, तेल का इसमें यूज़ नहीं होता। तो ये बन गया हमारा कुट्टू का घोल, जैसे बेसन के पकौड़े बनाते हैं उसी तरह से ये भी बनता है। तेल भी गर्म हो गया है और बेसन का घोल भी, बेसन क्या कुट्टू का घोल भी तैयार है, सॉरी, और आलू की पिट्ठी भी तैयार है। तो अब हम पकौड़े ही बनाएंगे। तो ये बिल्कुल छोटे 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 मैंने ये लिए आलू के, हाथ से ले लिए, हाथ से लड्डू, से लड्डू टाइप बना लिए हाथ से, और इसमें लपेट के घोल में, कुट्टू के घोल में लपेट के कढ़ाई में डाल दिए। ऐसे ही करके मैंने ये सारे छोटे छोटे से मतलब लड्डू टाइप टुकड़े से लेके सारे मैंने ऐसे ही डाल दिए। अब धीरे धीरे इन्हें हल्के हाथ से बिल्कुल पलटना है, एक तरफ से सिक जाएंगे जब तो दूसरी तरफ से इन्हें पलटना पड़ेगा। अगर नहीं पलटेंगे तो एक ही साइड से जल के राख हो जाएंगे, ये भुन जाएंगे बेचारे। तो हमें पलटना है ऐसे ही। और ये पकोड़े मैंने पहले डाले थे तो ये जल्दी हो गए, पहले डाले हुए तो मैंने वो पकोड़े पहले निकाल दिए। अब बाकी जो बचे हैं पकोड़े, इनमें थोड़ी सी अभी कसर बाकी है, ये अभी हुए नहीं है, अब धीरे धीरे हो जाएंगे। इनका कलर अभी थोड़ा सा बाकी है, ब्राउन होना हो तो गया है लेकिन अभी पके नहीं है ये। तो अब इन्हें थोड़ी सी इस आँच पे पकने देते हैं, और अब ये पक चुके हैं, ये हो गए तैयार पक के। कलर भी बदल गया इनका, मुझे बड़ा टेस्ट आने वाला है इन्हें खाने के बाद, आज बहुत टेस्टी लगने वाले हैं ये पकौड़े। पकौड़े भैया अच्छे लगते ही हैं, किसको अच्छे लगते पकौड़े, सबको अच्छे लगते, बेसन के हो या कुट्टू के हो या मतलब कुछ भी प्याज के हो, कैसे भी हो, पकौड़े की तो बात ही अलग है भैया, सबको अच्छे लगते हैं। हाँ, तो अब ये पकौड़े हमारे बनने वाले हैं, मोस्टली बन ही गए हैं, वैसे बन गए, हो गए पकोड़े तैयार। तो मेरा मन भी है इन्हें खाने को तैयार, मैं भी इन्हें बस खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो अब इन्हें मैं निकालने वाली हूँ उसमें से, ये रेडी है बिल्कुल, करारे हो गए बिल्कुल क्रंची। तो ऐसे ही मैंने अभी होने के बाद ये मैंने एक प्लेट में मैंने निकाल लिया, धीरे धीरे सारे पकौड़े निकाल लिए। और देखो ये कैसे क्रंची स्पंजी, बहुत नरम पकोड़े मेरे बन गए हैं कुट्टू के। चलते हैं दही लेने, दही आ गई वही दही, दही के साथ पकोड़े खाऊंगी, वाह मज़ा आने वाला, मज़ा आ जाएगा। तो ये मेरे दही के साथ पकोड़े की रेसिपी थी, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगने वाले हैं ये, क्योंकि मुझे तो खाने वाले हैं। तो आप भी इन्हें ट्राई करना, कैसी बनती है देखना, लाइक करना, बाय।